यहां पुष्पेंद्र नाम की अर्जी है। टी शर्ट पहने होंगे, छोटी मूछन वाले पुष्पेंद्र बाबू आ जाएं, हिप्पी कटिंग होगी, दोनों तरफ से बिल्कुल हेलीकॉप्टर की कटिंग होगी, नाम पुष्पेंद्र होगा, आ जाएं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। स्पीड आए हैं क्या? आओ 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 पुष्पेंद्र बाबू आओ। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, गंगा मैया की, अपने अपने मताई बाप की। आइए, कहाँ है वो? ठीक है, अर्जी आ गई, आ जाओ। तुमने घर से भी किसी ने अर्जी लगाई? लगाई ना, घर ही से अर्जी स्वीकार हो गई। मैं भी बाबा जी, मैं जब से मेरे को पता चला, मेरी बहन ने मेरे को ये जानकारी दी, हाँ, तो मैं लगभग लगभग एक महीने से आपको रोज देखता हूँ, हाँ, और जब से आया हूँ बाबा जी, मैं लखनऊ में हूँ इस समय पे, रहने वाला तो मध्य प्रदेश का ही हूँ। अच्छा, लखनऊ में जॉब करता हूँ। और काय में हो? मैं मार्केटिंग में हूँ, नजदीक आ जाओ, मेडिसिन में हूँ सर। और नजदीक आने जी, बोलो क्या बात। बाबा जी, भैया का एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, और तब से अभी तक मतलब कोई सुधार नहीं है, पैरों में सुन्नपन, चल नहीं पाते, हालत विचित्र है, शिथिलता चोट से, बिलागज नसें बष्ट हो गई हैं, नसें बष्ट हो गई हैं दोनों हिप्स में और पीछे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बनी हुई है, और L5 नस और गुड़िया, इन दोनों में समस्या है। समय लगेगा, पूर्ण आराम नहीं, पर 30% की गारंटी हमारी, आशीर्वाद है। बाकी भले बागेश्वर धाम सरकार की। पूरा परिवार में उथल पुथल मची, बहुत कलेश है बाबा जी, मतलब उथल पुथल कलेश शांत होगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, धाम की पेशी करें, हनुमान जी दया करेंगे, नियम का पालन करो तो निश्चित रूप से कृपा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस बाबा जी घर का कलेश शांत हो जाए, क्योंकि माता जी पूरा उन्हीं के ऊपर निर्भर, आश्चर्य ही कृपा। चलो भगवान, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की,